आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान ते संगरूर तो सांसद मैंबर भगवंत मान अज गुरुनगरी अमृतसर विखे पहुंचे। इस मौके उन्होंने नगर कौंसल चोणां लड़न वाले जिले के वख-वख उम्मीदवारों नाल मुलाकात भी की। इस तों बाद पत्रकारों नाल गलबात करदे भगवंत मान ने पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ते वड्डे निशाने साधे हन। उन्होंने दोष लाया कि कैप्टन दी सरकार ने चोणां दे विच धक्केशाही की है। इस मौके उन्होंने दावा किया है कि 2022 दीआं चोणां तों पहलां पंजाब दे हर घर विच आम आदमी पार्टी का झंडा लहरांदा विखाई देवेगा। इस मौके उन्होंने किसानी अंदोलन लैके भाजपा से भी वड्डे हमले किए हैं। देखो अज असी माझी धरती ते आए हैं। जिहड़ियां पिछले दिन एम सी दी इलैक्शन हुई भावें कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी की दुरवरतों की, पुलिस की दुरवरतों की, अपनी जिहड़ी सत्ता है उहदी दुरवरतों की, पर इस धक्केशाही की हनेरी दे विच फिर भी 67 दीवे जिहड़े आम आदमी पार्टी के ऐसे जगे ने जिन्हां तों जोत लैके होर हज़ारां दीवे जगाउणे ने। सो शहरां दे विच जिथे असीं पहली बार इलैक्शन लड़े हाँ, पहला असी शहरों के इलैक्शन नहीं लड़ते, एम सी की इलैक्शन पहली बार लड़ी है तो 67 एम सी आए हैं, बहुत सारे साढ़े आजाद भी साड़ी जिहड़े ने वो जितते ने। सो असी उन्होंने मिलना आए, हौसला बधाउन आए हैं। तो हुण साड़ी जिहड़ी आम आदमी पार्टी का जिहड़ा झाड़ू है, चोण निशान है, वो हर वार्ड के हर घर के चुल्हे तक पहुँच गया। तो असी जलंधर मीटिंग करके आए हैं, तो अज इतने अमृतसर हाँ, कल मोगे तो लुधियाने जावे, सारे कैंडिडेटा मिलेंगे। जित हार जी चलती रही है, पर सब तो बड़ी गल है कि यहोजी जुल्म की नेरी के खिलाफ लड़न की जिन्होंने हिम्मत की है उन्होंने शाबाशी देना आया, उन्होंने हौसला बधाने आया। बाकी इनू कोई मीडिया वाले तुसी कोई इनू सैमीफाइनल 2022 का या क्वार्टर फाइनल ना कहो, 2016 दे विच अकाली दल ने हुंजा फिर जित प्राप्त की सी, ते अकाली दल कहिंदे सी 2017 च असी जित गए बस, क्योंकि असी सारियां एमसी दे चोणां जित लईआं, पर 2017 च 15 सीटां बड़ी मुश्किल नाल अकाली दल नूं आईआं सी। इही गल हुण कांग्रेस कहिंदी है कि शायद 2022 साडी होगी, नहीं 2022 जिहड़ी है वह कैप्टन दीआं नाकामियां ते लड़ी जाऊगी। कैप्टन ने जो वादे कीते उहनां नूं असीं लोकां तक लैके जावांगे। ये लोकल चोणां ने, इहदे विच कई वारी साडे भी उम्मीदवार कई इहो जिहे ने जिहड़े कहिंदे जी आम आदमी पार्टी दे नां ना, पर साडे महल्ले ने फैसला कीता कि आजाद दे तौर ते लड़ना, लड़ लैण कोई गल नहीं। बीजेपी दी हार नूं असीं किस तरह देखदे आ, अकाली दल नाल वख होए। देखो बीजेपी अपने आप नूं शहरी पार्टी कहिंदी है, जदके इहदे उल्ट सानूं कहा जांदा कि साडे शहरां दे विच वोट बैंक घट है। बीजेपी दा सफाया होना ये गल जिहड़ा तय करता है, खास तौर पर उन्हां दा आपदा एरिया पठानकोट, गुरदासपुर, हुशियारपुर, फाजिलका, अपना अबोहर, इत्थों सिद्ध होंदा कि जिहड़ी जिहड़ा हंकार दा सरिया किसान अंदोलन के मामले च मोदी सरकार ने अपनी गर्दन दे विच लिया होया, वह हंकार का सरिया जिन्होंने लै बैठूगा और हंकार का सिर नीवा होंगे। नहीं देखो किसानों के अंदोलन कदे वह भीड़ कहते हैं, कदे किसानों के अंदोलन इन्होंने जेडे मंत्री ने पिकनिक कहते हैं, कदे किसानों के अंदोलन कहते हैं ये देशद्रोही, कदे कहते हैं माओवादी ने, कदे कहते हैं अर्बन नक्सली ने, उन्होंने तरह तरह के इल्जाम लाते हैं। पर ਉਹ ਅਨ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਕਮੂਠੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।